नवाब के शहर इलाहाबाद में ड्रीमलैंड पार्क की तरफ से पहली बार देश विदेश के सामान व झूले के एग्जीबिशन प्रदर्शनी जीजीआईसी स्कूल मैदान पत्थर गिरजा नियर कॉफी हाउस सिविल लाइन इलाहाबाद। आप चुनाव के समय अब ये कह रहे हैं कि कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है इसलिए हम समर्थन वापस ले रहे हैं। आप तो नोटबंदी के समय कह रहे थे आतंकवाद खत्म हो जाएगा नोटबंदी से। आपने देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। 3.5 साल में उन लोगों की गोदी में आप खेलते रहे जो पार्टी पीडीपी अफजल गुरु को शहीद मानती है, जो पार्टी पीडीपी कहती है कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की करेंसी चलनी चाहिए, जो पार्टी पीडीपी कहती है कश्मीर का अपना सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए और राज्यपाल का चुनाव होना चाहिए, जो पार्टी पीडीपी कहती है अफजल गुरु का जुडिशियल मर्डर हुआ है और जो कहती है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पाक शासित कश्मीर है। आप उस पार्टी के साथ 3.5 साल तक सरकार बनाते हैं और उसके बाद अब आप देशभक्ति दिखा रहे हैं, तो ये देशभक्ति नहीं है, ये अवसरवादिता है जो देश की जनता समझ रही है। चुनाव के समय देशभक्ति का ढिंढोरा पीटकर अब वोट मिलने वाला नहीं है। भारतीय जुमला पार्टी को पूरे देश ने देख लिया है। तो इसलिए यूपी में जो महागठबंधन हुआ जिसके कारण गोरखपुर फूलपुर और कैराना में बुरी तरीके से बीजेपी को पराजय का सामना करना पड़ा, ये एक अच्छा संकेत है। आज भाजपा की नफरत की राजनीति के खिलाफ देश इकट्ठा हो रहा है, पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं और अगर नहीं इकट्ठी हुई तो हिंदुस्तान को बीजेपी तालिबान बना देगी। अभी हापुड़ में जो कुछ भी हुआ मॉब लिंचिंग के जरिए एक आदमी को गाय के नाम पर इंसान की हत्या हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये तालिबानी संस्कृति है, हिंदुस्तानी संस्कृति नहीं है। इन नफरत के सौदागरों से मिलकर लड़ना होगा। आम आदमी पार्टी महागठबंधन में शामिल होने जा रही है? आम आदमी पार्टी अभी किसी भी गठबंधन का आधिकारिक तौर पर हिस्सा नहीं है। हम अपने मुद्दों पर काम कर रहे हैं। यूपी के अंदर 25 जून से 8 जुलाई तक हम बनारस से बलिया की पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। बनारस जहाँ से मोदी जी सांसद हैं वो एक अघोषित आपातकाल की स्थिति उन्होंने देश में पैदा की है, 25 जून आपातकाल की याद दिलाती है, और बलिया जहाँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने पूरे देश से आपातकाल खत्म कराने के लिए लंबा संघर्ष किया वहाँ पर हम इसका समापन कर रहे हैं। पदयात्रा का लगभग 250 किलोमीटर की पदयात्रा है जो 13 दिनों तक चलेगी, जिसमें यशवंत सिन्हा जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, रघु ठाकुर जी, आशुतोष जी, ये सारे लोग 25 जून को शुरुआत कराने के लिए इस यात्रा की आ रहे हैं।